प्रेस द बेल आइकन ऑन द यूट्यूब ऐप एंड नेवर मिस अ भी आप देखो तो माइनॉरिटी को लेकर विक्टिम कार्ड करके कि हम माइनॉरिटी में हैं, हम माइनॉरिटी में हैं। सेम थिंग यहाँ पर कनाडा में होता है, हम माइनॉरिटी में, हमको ये चाहिए, हमें मस्जिद चाहिए, अभी हमें अजाने करवानी है, अभी हमें स्कूलों में नमाजें पढ़वानी है, यू नो इट डजंट स्टॉप। अब यहाँ पर एयरपोर्ट पे इनके वजू करने के लिए स्पेशली इन लोगों ने पांव धोने होने का सारा इस्तेमाल कर इंतजाम करके रखा है। तो मगर अपने मुल्कों में आप माइनॉरिटीज को बिल्कुल राइट्स नहीं देते हो, यू डोंट गिव देम एनी राइट्स। यू हैव सीन कि क्या किस तरह से फोर्स कन्वर्जन इज अ ह्यूज प्रॉब्लम दैट इज हैपनिंग इन पाकिस्तान, मगर उस पर कोई कुछ नहीं बोलता है, कोई कुछ नहीं बोलता। और उसको ये बड़ा अच्छा नेक काम समझते हैं, इनका ख्याल है अगर लोगों को पकड़ पकड़ के मुसलमान बना देंगे तो इन्हें कोई जन्नत मिल जाएगी और ये कोई बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। बल्कि आप तो बात कर रही माइनॉरिटीज की या उन लोगों की जो मुस्लिम्स नहीं हैं, यहाँ तो जो मुस्लिम्स हैं उनको भी और मार मार के मजीद मुसलमान बना रहे हैं। मतलब अगर कोई बाहर खाता हुआ, भी रमज़ान है, अगर कोई बाहर खाता हुआ दिख जाए तो उसको पुलिस पकड़ के ले जाएगी, क्यों? ये हो सकता है किसी का रोज़ा ना हो, सकता है कोई बीमार हो या कोई इतना वीक हो या कोई ना रखता हो, उसकी अपनी चॉइस हो सकती है। लेकिन यहाँ पे इस किस्म का माहौल बना दिया गया, वरना ये होना चाहिए था कि रेस्टोरेंट्स खुले रहें और अगर कोई खाना चाहता है तो वो खा सके, हर एक को आप मार मार के रोजे रखवा रहे हैं। तो जाहिर है इस तरह की कंट्री में जो है वो माइनॉरिटी की अगर आप बात करेंगे तो उनकी कितनी इंपॉर्टेंस रह गई होगी ये तो समझा ही जा सकता है। अभी एक सेनेटर है, हिंदू सेनेटर है, उनकी वीडियो आई डोंट नो आपने देखी है या नहीं, मैं आपको भेजूंगी। तो उसमें वो बेचारे यही बता रहे हैं कि हम अपने प्रॉब्लम्स लेके जाते हैं गवर्नमेंट के पास या किसी के पास पाकिस्तान में जिनके पास पावर है, तो वो आगे से उन्हें कहते हैं कि जा मुसलमान हो जाइए बजाय उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के। तो इस किस्म की बातें जिस कंट्री में होंगी आप हर एक को अपने अलावा किसी और दूसरे को बर्दाश्त ही नहीं करेंगे तो फिर तो यही हालत रहेगी। और मुझे हैरत है कि इसके ऊपर ह्यूमन राइट्स वाले कुछ नहीं कहते। अगर हम कोई बात करें कि माइनॉरिटी के साथ गलत हो रहा है तो शुरू हो जाते हैं, तो इंडिया में भी तो हो रहा है, मुसलमानों के साथ ये हो रहा है। और मेरे दोस्त जो मुझे पिक्चर्स भेजते हैं उसमें सभी को जय हिंद। दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम आपके लिए एक लाजवाब वीडियो लेकर आए हैं जिसमें आपको काफी कुछ जानने को मिलेगा और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको अंत में मिलेगी। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को अंत तक देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक कर दें। तो चलिए साथ मिलकर ये वीडियो देखते हैं। जय हिंद जय भारत। जो मुस्लिम्स हैं वो या तो रोड पे रोड ब्लॉक करके अफतारी कर रहे हैं, कभी पिक्चर भेजी है वो रेलवे ट्रैक के ऊपर बैठ के अफतारी कर रहे हैं। मतलब मुझे तो समझ नहीं आती हूँ कौन सा प्रेशर है वहां के मुस्लिम्स के ऊपर के जो हमें बताया जाता है, लेकिन यहाँ पे तो खैर बहुत गलत है। मेरी समझ में नहीं आती जो रोडों पे नमाजें पढ़ना है और जो रोडों पे, क्योंकि जहाँ आप नमाज पढ़ रहे हैं यानी मस्जिद को साफ पाक रखा जाता है, इन रोडों पे तो, और हमारे यहाँ तो खैर फिर भी वेस्टर्न कंट्रीज में वो नहीं है, मगर आप अगर पाकिस्तान और इंडिया की रोड पे भी आई एम श्योर कुत्ते बिल्लियां चल रहे होते हैं, वहां पेशाब करते होंगे, वहीं पे आप माथा वहीं टेक रहे हो, वहीं पे खा रहे हो, तो अब इनको सफाई नसीमान याद नहीं आता उस वक्त। मेरी समझ में नहीं आती ना कि एक तरफ आप एक चीज है कि आपको बिल्कुल पाक साफ जगह पे जाके नमाज पढ़नी है और दूसरी चीज तो आप वहां पे नहीं, और उसके अलावा दूसरा आप किसी को डिस्टर्ब कर रहे हैं, आप कॉर्नर पे जाके पढ़ ले नमाज, आप मतलब नमाज तो आपके और खुदा के बीच की बात है ना, उससे किसी दूसरे को क्या, लेकिन आप जाके रोड पे दिखा रहे हैं कि नहीं मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, या आप किसी ऐसी जगह पे जहाँ से गाड़ियां गुजर रही हैं, यानी रेलवे ट्रैक पे अभी तस्वीर है, रेलवे ट्रैक पे बैठे हुए, तो वो चीज तो मुझे समझ नहीं आती। मैं यहाँ पे अगर किसी को दिखाऊं तो वो मुझे बुरा भला कहना शुरू हो जाते हैं, इतना तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया इंडियंस ने। मैंने कहा नहीं, इनका दिमाग नहीं खराब हुआ कि ये रेलवे ट्रैक पे बैठे हुए, उधर से ट्रेन आ जाए कुछ हो जाए तो फिर वो भी गलत होगा कि आपने दूसरों की लाइफ में क्यों, दूसरे ने क्या करना है भाई, जो भी होना है वो उसके और खुदा के बीच में है, आपका खुदा है वो इतना ताकतवर है कि वो मुझसे डील कर सकता है, लाइक आपको क्या जरूरत है मुझे बताने की मैं खाऊं या नहीं खाऊं। अभी मैं देख रही थी एक वीडियो, बेचारा वो उसने अपनी शॉप खोल ली थी खाने की, तो उसको गर्दन से पकड़ के उसको पहले अंदर डाला फिर वापस जाके शटर बंद करवाया। मैंने कहा यार किसी का दूध पूरा उलट, यानी It just doesn't make sense. मगर अब आप सऊदी अरब को देख रही हो आप, तो वहां कितनी उसने changes इस रमजान में उसने किया। I don't know कि वहां पे ये चीजें shops वगैरह open थी कि नहीं, मगर he did put a lot of restrictions on those things. अब देखें ना UAE भी तो है ना, दुबई में भी तो जाते ही हैं लोग, और हर जगह रमजान में वहां पे होटल्स भी खुले होते हैं और हर तरह का ड्रेस भी लोग पहन रहे होते, कोई मुड़के भी नहीं देखता। और यहाँ पर आप जरा सा अगर स्कर्ट पहन लें या कुछ ड्रेस पहन लें
तो लोग ऐसे देखते जैसे पता नहीं क्या हो गया। तो ये पहले नहीं था पाकिस्तान, पाकिस्तान में लोग बताते जी पहले भी अम्बेसीज भी थी, सब कुछ था, वो बेचारे स्कर्ट्स वगैरह पहन के घुमा भी करते थे। लेकिन ये जब से ये मौलाना आ गए ना, जियाउल हक और इस किस्म के लोग आए, इन्होंने इतनी तबाही की है कि कुछ भी ठीक होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा मुझे तो कम से कम। और जो बाकी पानी फेरना था वो फिर वो रियासत मदीना वाले ने आके बाकी जो सही हाँ कर वो वो तो वैसे सही अच्छा बना रहा है, वो तो रियासत मदीना बिल्कुल ठीक बना रहा है, क्योंकि रियासत मदीना में ना तो बिजली थी ना गैस थी और ना ही इस किस्म की फैसिलिटीज थी ना कि एसी लगा के बैठे, तो वो तो ठीक कर रहा है। So he is working towards it. अच्छा, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में अभी अभी जो आप देख रही हैं, तो इनमें से कौन सा पॉलिटिशियन है जो पाकिस्तान को बचा सकता है? बचा तो मुझे कोई भी नहीं सकता लगता कि सकता हो, क्योंकि जो हालत हुई हुई है उसमें से मोदी जी बचा सकते हैं, उनको बुला लेते हैं और उनके साथ जो है वो उनके फॉरेन मिनिस्टर जो है डॉक्टर जयशंकर, ये दो लोगों को बुला लेते हैं, तो मेरा ख्याल है कि दो चार जाएगा साल के लिए तो कुछ बचत हो जाएगी, क्योंकि बाकी तो कोई ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। इमरान खान से बड़ी उम्मीद थी लोगों को, उनका टाइम भी देख लिया सबने और भी खराब हो गया। नवाज शरीफ साहब जो हैं और उनके भाई शहबाज शरीफ इस वक्त हैं, लेकिन वो भी भागे भागे घूमते नजर आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये कि इकोनॉमी नहीं है ना, जब फाइनेंस ही नहीं है तो कौन क्या कर लेगा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। तो इस वक्त मुझे तो पॉलिटिशियंस में से कोई भी ऐसा नहीं लग रहा जो कुछ कर पाए। हाँ, अगर ये उन लोगों को सामने ले आए जिनको इन्होंने हटाया था, जैसे मियाँ आतिफ थे उनको लेकर आए थे, उन्हें अहमदिया कह के हटा दिया कि नहीं जी ये फाइनेंस नहीं देख सकते, अगर ये उस चक्कर में से निकल आए ना अपने और उन लोगों को काम दे जिनको आता है, तो फिर शायद कोई इनको सही एडवाइस कर पाए। दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा। आपके इस वीडियो के बारे में क्या विचार हैं? हमें अपने विचार कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। हम ऐसे आपके लिए नई वीडियोस लाते रहेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए अगली वीडियो पर फिर मिलेंगे, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।